हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और एक लीगल मैक्सिम के बारे में, जिसका नाम है प्लस वैलेट अनअसोक्लेटस टेस्टिस क्वाम ऑरिटी डिसेम। तो इसका मतलब समझेंगे, इंग्लिश मीनिंग क्या है एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये एक लैटिन मैक्सिम है, इसका इंग्लिश मीनिंग है दिस मीन्स वन आई विटनेस इज वर्थ मोर देन 10 ईयर विटनेस। मतलब कोर्ट में जब ट्रायल चलता है, ट्रायल के टाइम में तो मान लो कि एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, ये व्यक्ति का मृत्यु हुआ है मतलब इसका खून हुआ है, तो यहाँ पे किसी के अगेंस्ट में कोई मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। तो किसी एक व्यक्ति ने देखा है कि इस पर्सन को खून किया, मतलब इस पर्सन ने इसको खून करते हुए देख लिया, ठीक है। तो ये जो चश्मदीद गवाह है, आई विटनेस है, इसका रिलेवेंस ज़्यादा होता है एक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। कोर्ट के अंदर जिन्होंने सामना सामने देखा है मृत्यु होते हुए, मतलब किसी का खून करते हुए, जो आई विटनेस है, आई विटनेस का ज़्यादा रिलेवेंसी रहता है कोर्ट के अंदर। और यही एविडेंस 10 ईयर एविडेंस के बराबर होते हैं। मतलब ये इसको आप भूल जाओ कि मान लो कि ये पर्सन है, ये ए है, ये बी का मर्डर हुआ है, तो ए ने मर्डर किया है बी को, ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, 10 लोग बोल रहे हैं, किसी के पास से सुना है कि ए ने ही बी का हत्या किया है। तो यहाँ पे जो भी 10 एविडेंस के बराबर होगा, एक एविडेंस जिन्होंने देखा है सामने, ठीक है, खून होते हुए देखा, उसका रेलिवेंसी ज़्यादा होगा कोर्ट के अंदर। तो दिस मैक्सिम प्रोमोट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आई विटनेस। ये जो मैक्सिम है, ये आई विटनेस का इम्पोर्टेंस को बढ़ा देता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। और ये मैक्सिम बोलता है कि कोई भी ईयर विटनेस को कोर्ट में एडमिसेबल नहीं किया जाएगा, मतलब कोर्ट में उसको वैलिड एविडेंस के तौर पर नहीं रखा जाएगा, ये मैक्सिम ये कहता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये मैक्सिम बोलता है कि वन आई विटनेस इक्वल्स टू और इक्विवेलेंट टू 10 ईयर विटनेस। तो एक आई विटनेस इक्वल्स टू 10 ईयर विटनेस, इसके मैक्सिम का मतलब ये है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबा देना लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लीगल टॉपिक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।